एसीएल लिगामेंट की इंजरी में पीआरपी का क्या रोल है? क्या हर एसीएल लिगामेंट की इंजरी में आपको सर्जरी की जरूरत है? क्या एसीएल लिगामेंट की इंजरी आपकी बिना सर्जरी से भी ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। 50% जो एसीएल इंजरी होती है वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है। बकायदा उस इंजरी का ग्रेड क्या है? तो दोस्तों, एसीएल की इंजरी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। जितनी भी ग्रेड 3 इंजरी है वो हाई इंपैक्ट इंजरी होती है, तो उसमें हमें दूरबीन से या आर्थोस्कोपिकली ऑपरेशन करना पड़ सकता है। लेकिन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरीज में बिना ऑपरेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और इसमें पीआरपी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, का बहुत बड़ा रोल है। पीआरपी एक इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पेशेंट के ही ब्लड से लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसकी जो हाई हीलिंग कैपेसिटी होती है, उस प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाता है, और फिर उसी प्लेटलेट्स को पेशेंट के ACL के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्लाज्मा होता है इसका बहुत ही अच्छा हीलिंग पोटेंशियल होता है, और ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरीज में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। और मैंने बहुत सारे अपने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिसमें पीआरपी के बाद पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वैसा ही बन जाता है, और पेशेंट अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में या खेलने कूदने में पहले की तरह ही हो जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हर एसीएल इंजरी में आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो इसका जवाब है नहीं। डिपेंड ये करता है कि आपकी इंजरी का लेवल या इम्पैक्ट कितना है। अगर आपकी लिगामेंट पूरी तरह से टूट गई है, फिर तो उसमें ऑपरेशन ही करना बनता है। लेकिन अगर उसमें स्प्रेन है या वो लेग्स थोड़ा सा है, ज़्यादा लेग्स नहीं है, तो पीआरपी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आपको एसीएल रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप नीचे लिखे हुए नंबर में हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।